सबसे पहले गाइज आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस चैनल की अर्निंग दोस्तों सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर $2,000 से लेके $31,000 ये मंथली का अर्न कर रहे हैं, वो भी सिर्फ कॉपी पेस्ट कंटेंट बनाकर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आप लोगों को क्या करना है, इस कंटेंट में दोस्तों आप लोगों को अनलिमिटेड कॉन्टेंट मिलेगा, आपको कोई भी कॉन्टेंट की कमी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इनकी जो मंथली की अर्निंग वो $2,000 से लेके $31,000 तक है। अगर हम इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों आप लोग भाई शॉक हो जाएंगे कि कोई चैनल सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इतना पैसा कैसे कमा सकता है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम मिनिमम डॉलर लेंगे 2000। अगर दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जो यहां पर मिनिमम डॉलर आते हैं वो दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल रियल बताते हैं कि इनके चैनल की जो मंथली अर्निंग है वो भाई इतनी तो है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोस्तों हम इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोग इनका प्रूफ देखिए। सबसे पहले चलते हैं गूगल पे और इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं USD टू INR। तो गाइज यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। तो जैसे ही दोस्तों हमने 2000 यहाँ पे लिखा तो आप लोग इनकी अर्निंग देख सकते हैं, 163,912 रुपए इनकी मंथली अर्निंग है, वो भी दोस्तों सिर्फ कॉपी पेस्ट करके। और आप लोग भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप लोग इतनी अच्छी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा यहाँ से आपको पैसा मिलने वाला है। अनलिमिटेड आपको कंटेंट मिलेगा और अनलिमिटेड तरीके से आप लोग यहाँ से पैसा कमा पाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ कि आखिर मैं आपको ये कौन से चैनल की अर्निंग दिखा रही हूँ और किस तरीके का कंटेंट वो अपने यूट्यूब चैनल पे बनाते हैं, जिससे दोस्तों आप लोग उसी तरीके का कॉन्टेंट बना के आप लोग भी यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है तो आप लोग इस तरीके का कॉन्टेंट बनाओ, आप लोगों का चैनल 100% ग्रो हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल दिखाती हूँ वो वाला, ठीक है। आप लोग जैसे ही यूट्यूब पर जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है बी इंस्पायर्ड। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला चैनल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर शॉक करने वाली बात ये है कि आप लोग सबसे पहले इनके सब्सक्राइबर्स पे नजर डालिए, उसके बाद आप इनकी वीडियोस पे नजर डालिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 272 वीडियो डाली हैं और सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 14 लाख सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोग जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं वहां पर आप लोग सिर्फ 272 वीडियो डाल के आप लोग यहाँ पे 14 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके का कॉन्टेंट बनाते हैं, वो भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके। भाई देखो गूगल से कॉपी करो, YouTube पे लाके पेस्ट करो और YouTube से लाखों कमाओ। यहां पर देखिए यहां पे वीडियोस पे चलते हैं, वीडियोस वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहां पर जो ये वीडियोस डालते हैं यहां पर दोस्तों इनकी एक एक वीडियो के अंदर प्रमोशन भी होता है और दोस्तों ये एडसेंस से जो पैसा कमा रहे हैं वो इनका अलग हो गया, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर आप लोगों को किस तरीके से इनके कॉन्टेंट को जनरेट करना है, तो मैं प्ले करके दिखाती हूँ कि आखिर ये किस तरीके का कॉन्टेंट यहाँ पे बनाते हैं। हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके भी तो आप लोग देख सकते हैं ना, इन्होंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड किया ना कुछ किया, सिर्फ यहाँ पे फोटो का यूज कर रहे हैं और अपनी वॉइस का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और अदरवाइज इनका तीसरा काम यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया और यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे आपको अभी दिखा भी होगा इंक्लूड पेड प्रमोशन, ये वीडियो के अंदर भी प्रमोशन कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, बहुत ज्यादा इनको पैसा मिलता होगा उस चीज का। और दोस्तों ये एडसेंस से जो अर्निंग कर रहे हैं वो तो इनकी भाई छोड़ ही दो कि ये एडसेंस से कितना पैसा कमा रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए इनका एडसेंस का हो गया, प्लस आप लोग इसका डबल ट्रिपल चौबल वाई जो भी मानो वो इनका स्पॉन्सरशिप से हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग लगा लीजिए कि ये कॉपी पेस्ट करके कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग इस तरीके का कंटेंट किस तरीके से जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक दो वीडियो और प्ले करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन पे चलते हैं, पॉपुलर वीडियो पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी 1.1 करोड़ यहाँ पे ये वीडियो चली हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक वीडियो है ये वाली वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस कॉन्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। अब आप लोग सोचते होंगे भाई कैसे करना है, ठीक है, तो देखिए प्ले करके दिखाती हूँ। मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये लोग सिर्फ गौतम बुद्ध की जो कहानियां होती है, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, उनको दोस्तों ये गूगल से कॉपी करते हैं, यूट्यूब पे लाके पेस्ट करते हैं और उससे ये मंथली का लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी इस तरीके का चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो 100% आप लोग भी लाखों रुपए कमाने लगेंगे। एक महीना लगेगा सिर्फ आपके चैनल को ग्रो होने में, आप लोग एक महीने के अंदर अर्निंग स्टार्ट कर देंगे इस तरीके का चैनल बनाने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस चैनल पे मोनेटाइज होगा ये चैनल या नहीं,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, यहां पे ये आपको सुपर थैंक्स का ये ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि आपको मेरी वीडियो के नीचे भी दिखता होगा। तो दोस्तों सुपर थैंक्स इस बात का सबूत है कि इनका चैनल मोनेटाइज है। कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो सिंपली हम किसी का उठा के पेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहां पे अपनी मेहनत करेंगे तब हम इस कंटेंट को जाके क्रिएट कर पाएंगे, बिना मेहनत के हम इस कंटेंट को क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। अब दोस्तों आप लोग देखिए यहां पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये हो गया। आपको पता है कि इनका चैनल मोनेटाइज है और मैंने इनकी अर्निंग दिखाई, वो आप लोग पता है कि मोनेटाइज होने के बाद ही कोई चैनल है वो यूट्यूब से पैसा कमाता है। अब बात करते हैं कि आप लोग को इस तरीके का कॉन्टेंट कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद ही आपको यहाँ पे जो कहानियां होती हैं वो कहानियां आपको कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आ चुके हैं गूगल पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम गूगल पे आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको गौतम बुद्ध, ठीक है। यहाँ से ये हो गया गलत, यहाँ से करते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध मोटिवेशनल, ठीक है, मोटिवेशनल यहाँ पे लिखेंगे, मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। तो जैसे ही दोस्तों हम इस पर टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारी कहानियाँ हैं वो आ जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट है वो आ जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट से इनकी कोई भी कहानी को कॉपी कर सकते हैं, अनलिमिटेड आपको यहाँ पे कहानियाँ मिल जाएंगी। आप लोग चाहें तो कोई सी भी कहानी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर हम पहली वाली वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे हमने इसको ओपन किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो दोस्तों आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे जाने के बाद आपको यहां पे लेना है इस तरीके से, यहां पे इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं। यहां पे सिंपली आपको कॉपी करना है। जैसे कि आपको पता है गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी कहानी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आप लोग चाहे पहले रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट आप लोग जाके काइंड मास्टर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको उसकी एडिटिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाने के बाद आपको एक एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पर आपको ये इमेजेस कहाँ से लेनी है, इमेजेस लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों इमेज सर्च मैन। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है गौतम बुद्ध, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे गौतम बुद्ध को सर्च किया तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी यहाँ पे इमेजेस है वो गौतम बुद्ध की आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इनको डाउनलोड कर लेना है। जिस तरीके की आपकी स्टोरी है आपको उसी हिसाब से यहाँ पे इमेजेस को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली फर्स्ट इमेज है, इसको डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है सिंपली आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इनको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, जो कि दोस्तों आपका टाइम खराब ना हो इसलिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ नीचे जाएंगे तो देखिए ये वाली इमेज हो गई, ये डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो बहुत सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी, जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपनी वीडियो के अंदर आप इनका यूज कर सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट क्लेम, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आपके पास नहीं आएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप इमेज डाउनलोड कर रहे हैं उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। आप लोग को ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड यहाँ पे नाम लिखा है, तो आपको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो भी बिना नाम किए आपको उनको यूज कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसकी एडिटिंग किस तरीके से करनी है वो आपको सबसे पहले पता लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं काइंड मास्टर में और आपको बताती हूं कि आप लोग इसकी एडिटिंग किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग यहां से आ चुके हैं काइंड मास्टर में। काइंड मास्टर में आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे रेस्यू मिल जाएंगे, 16:9, 9:16। अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 9:16 को यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो आप 16:9 को यूज करें। पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लोग लॉन्ग वीडियोस ही बनाएं, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में आपको ग्रोथ मिलेगी और आप लोग लॉन्ग वीडियोस से ही पैसा कमा पाएंगे। शॉर्ट वीडियो से आपको सिर्फ नाम मात्र का ही पैसा मिलता है। आप लोग यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बनाकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला वाला रेस्यू यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे क्रिएट पे क्लिक करें। मास्टर अब ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इमेज असेस्ट का।
जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। अब आपको जितनी बड़ी स्टोरी बनानी है, आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको उतना बड़ा वॉलपेपर कर लेना है। अब आपको जो इमेज आपने ली थी, जो आपने डाउनलोड की थी इमेज सर्च मैन से, वो आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद जो हमारी पिक्चर है वो यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर है वो आ चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको जूम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको जूम कर दिया, देखिए इस तरीके से सेट हो गया। उस तरीके से यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे इधर वाला पार्ट, उसके बाद लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे ये वाला है, ये वाला वॉलपेपर है, उसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको जूम कर दिया। आप दोस्तों इतना इतना करने के बाद आपको जितना इसको रखना है आप उतना रख दीजिए, बाकी इसको कम कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वॉलपेपर है वो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। आप देखिए इस तरीके से मैंने ये वाला काम कर दिया। अब आप लोग देखिए इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे लाके इसको रख देंगे, ठीक है। तो अब आपने जो इतना काम तो कर लिया, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, लिखना आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली अपनी वॉइस को लाके यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे जो आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपने स्टोरी कॉपी की थी वो। दोस्तों आप एक डायरी पे लिख के रख लीजिए, या आप दूसरे फोन में देखते जाइए और यहाँ पे बोलते जाइए, या आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्डर से पहले ही इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके रख लीजिए और डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टोरी को किस तरीके से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से लाना है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड करते जाना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, सुबह सुबह महात्मा बुद्ध के पास कुछ उनके शिष्य उनसे मिलने आए और दोस्तों उनसे पूछा कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर महात्मा जी ने जो यहाँ पे इनको उद्देश्य दिया वो दोस्तों आप लोग देखकर सुनकर अचानक से शॉक हो जाएंगे। तो गाइज कुछ इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये वॉइस को रिकॉर्ड करके दिखाया। आप लोग अपनी पूरी स्टोरी को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, मिक्सर वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वॉल्यूम को पूरा कर देना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, सुबह सुबह महात्मा बुद्ध के पास कुछ उनके शिष्य उनसे मिलने आए और दोस्तों उनसे पूछा कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब आप लोगों ने देख लिया, अभी दोस्तों ये स्टोरी आपकी सिंपल लग रही है। अब आपको इस पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है जो कि आपकी स्टोरी को बहुत ही अच्छा बना देगा। तो हमें क्या करना है, ऑडियो वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ से जो हमने म्यूजिक लिया था, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा म्यूजिक था, यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा म्यूजिक था वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये म्यूजिक लगाया दोस्तों। ये वाला म्यूजिक अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाके इस म्यूजिक को ले सकते हैं। मैंने वहां पर इसको अपलोड कर दिया है और बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अभी उस म्यूजिक को लेना है और मिक्सर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसकी साउंड है उसको कम कर देना है। आप देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, सुबह सुबह महात्मा बुद्ध के पास कुछ उनके शिष्य उनसे मिलने आए और दोस्तों उनसे पूछा कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहां पर महात्मा जी ने जो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं जो लोग हैं वो दोस्तों जब लोगों के सामने जाएगी तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ आपकी स्टोरी को सुनेंगे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका चैनल है वो दोस्तों ग्रो हो जाएगा। ये म्यूज़िक लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये म्यूज़िक आपकी स्टोरी में चार चांद लगा देगा और आप लोगों को इसी तरीके से अपनी पूरी स्टोरी को क्रिएट कर लेना है। 4 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, आप जितने मिनट की बनाना चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अब आपका या काम खत्म। अब आपको इसको जाके YouTube पे अपलोड कर देना। उससे पहले आपको ऊपर एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद सेव एस वीडियो पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो हमारी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। आप दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से भाई कॉपी पेस्ट करके आप लोग यहां पर पैसा कमा सकते हैं। और खास बात इसकी ये कि आपको भाई चेहरा भी नहीं दिखाना है, बिना चेहरे के आप लोग अपना चैनल चला सकते हैं। आप पैसा भी कमाने लगेंगे, लोगों को तब भी नहीं पता चलेगा कि आप YouTube से पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को ये चैनल कैसा लगा और आप लोग इस पे काम करेंगे या नहीं करेंगे और आप लोग कितने साल से YouTube पे काम कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपका तुरंत के तुरंत वहां पर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।